एवरीवन, वेलकम टू बोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक का स्टफ पकोड़ा। तो ये पालक के पत्तों की हमने डंडियां निकाल के अच्छे से धो लिया, इनको सुखा लिया। तीन आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये आलू के अंदर हम डालने वाले हैं ये मसाले, नमक है स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर है 1/4 टीस्पून और 2 पिंच अमचूर पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और थोड़ा चाट मसाला है। ठीक है, ये सब हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये हमने लिया है बेसन, क्योंकि मैं बहुत कम बनाने वाली हूँ, तो बेसन में हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, 1/2 बाउल के करीब मैंने बेसन लिया है, थोड़ी सी हल्दी 2 पिंच हल्दी, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और रेड चिली पाउडर। ये आप कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं, है ना। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हम इसको घोलेंगे। और मैं इसमें ना 1 पिंच बेकिंग सोडा भी डाल रही हूँ, कुकिंग सोडा, और थोड़ा सा हम इसमें बाद में ना ऑयल भी डालेंगे, हॉट ऑयल। तो ये हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे, और जैसे पकोड़ों का घोल बनाते हैं ना, बहुत पतला नहीं आपको बनाना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक थिक सा बैटर बनाना है। और जब तक फिर आप इसकी स्टफिंग करेंगे, ये थोड़ी देर रखा रहेगा तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरह का घोल बन गया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे और आलू को मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बराबर जैसे उतनी ही बड़ी लीव्स है ना, उनको कोशिश करेंगे लेने की। ठीक है, और इसमें हम स्टफिंग करेंगे आलू की, इसकी आलू की पतली लेयर हम इसमें लगाएंगे और इसको ऐसे जॉइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम सारे तैयार करके रख लेंगे। और बेसन में ना हम 1 चम्मच ये गरम तेल भी डालेंगे, जो हमने पहले से गरम होना रख दिया ना, इससे भी पकौड़े आपके बहुत क्रिस्पी बनते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे। बेसन से चारों तरफ से कोट कर लेंगे। ऑलरेडी इसमें आलू का मसाला है, चिपका हुआ है ना। और भी ये देखिए, इस तरह से हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। तेल हमने पहले से गरम होना रख दिया था, और इस तरह से हम सारे पकौड़े निकाल लेंगे। मतलब ध्यान से आपको डालना है, जरा भी जल्दी नहीं करनी है, हाथ नहीं जले, बहुत ध्यान से, और ये बहुत अच्छे बनने वाले हैं। आलू का मसाला इतना गीला हो कि वापस में चिपक जाए, पकौड़ा जो है वापस में चिपक जाए। तो इस तरह से करके हम ये सारे पकौड़े उतार लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का हम निकालेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। और अगर ये लगता है ना आपस में पत्ते नहीं चिपक रहे हैं, खुलने का डर है, तो हल्का सा ऐसे बेसन साइड में भी लगा सकते हैं और इसको पैक कर सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया निकल गया है पकौड़ा। तो ऐसे ही हम सारे पकौड़े बना लेते हैं और आपसे मिलते हैं। ये देखिए क्रिस्पी, आप सुन रहे हैं ना आवाज, तो ये क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। तो आइए करते हैं इनकी प्लेटिंग। तो अब ये पकौड़े आप सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए, बनाइए और मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आप थोड़ा पेशेंस के साथ, 1-2 खराब होता है ना कोई बात नहीं, आपका पत्ता खुलता है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, बट फ्रेश पत्ते होंगे ना तो बहुत अच्छे बनेंगे, यकीन मानिए। ये बहुत ही यमी लगने वाली डिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।